बात नहीं मिलल बा, वो आप लोग के सामने बा समाज सुधारक। वो किताब BHU में आयल बा और लिखल केकर किताब बा, मायावती का बा किताब। मायावती का 42 वर्ष को उम्र बा, अपना शादी नहीं किया, ओकर बाप लाइन मैन हूँ और मायावती तो मुख्यमंत्री। तो सुधार बदे हमके आप बदे वो किताब BHU में आ गई बा, बच्चन के मिलत बा पढ़े बदे। और आज ओके सुधार वाली बात सबके पढ़े के छूट बा और मिलत बा। तो वो हाँ का ए भैया सज्जनों करिए विवाह के विषय में लिखले बा, सज्जनों करिए नौजुवक शादी करिए जाते उनके। एक लड़का 14 में पढ़त रह, वो अपने बाबू के अकेले रहे। उनकर लोग ब्याह कर जाए तो उनकर बाबू जब कहे कि बचवा अब शादी लायक हो गल हुआ, लोग बिरादर आवत बा ब्याह कहला कर, तुम क्या जानोगे भाई बा अपने बाबू के तुम, अपने बाबू के तुम कहे कर, तुम क्या जानोगे या खेतन कुल गिरई रख गई पढ़ावे में। तो ऐसे का लेकिन तुम तो कहत अपने बाबू के तुम के कह जाला छोटा के। तो अपने बाबू का तुम क्या जानोगे हमारे शादी के विषय में। एक दिन एक जने और अलन तक कहत उनके ब्याह हमार लड़का हमार बात ना माना। हम पढ़ले लिखले ना भाई लेकिन हमके तुम कहला कि तुम क्या जानोगे। तो हम बच्ची बात ना कर सकी, भैया लड़िकवे से पूछ ला। तो लड़िकवा से कथुअन किए भैया इधर आवा। तो का करे आल हुआ, कह बेटवा एक मेरे लड़की बा, एक किताबिया में लिखल बा कि एक मेरे लड़की बा वही से तुझसे ब्याह कर दे आई ले। तो लड़िकवा कह सुना हम तोहरी के ब्याह करब। कहा बेटवा जौन मांगक हो, मारुति मांगला, रुपया मांगला, जमीन जट्ठा बा हम तोहके दे दे। बोला का लेबा? कह न हमें रुपया चाही, न हमें जमीन चाही, न हमें खेत चाही, न हमें मारुति चाही, हमके एक चीज चाही बा, तू आपन लड़की बिना ब्याह कैला हमरे केन भेजा। हमरे लायक रही तो रखम नहीं, ओकर बर्तन बिगाड़ के छोड़ दे। बा भाई बा, अरे कवन बर्तन बिगाड़त रहल बिया मुंह बे कि मुहे पर मार के लौटा दे। ब्याह कर लायक होई तो तू भेजिया, नहीं तो अपन लड़की अपने घरे रखा। हमरे लायक रही तो हम ब्याह कर ले सिंदूर ना ले, नहीं तो वही फिर हाथे घोड़े उन्हें आपस कर दे। कुल लड़की इनकार कर दे के भैया के अपन इज्जत मर्याद खोई, मांगी में सिंदूर भी नहीं नावा देत बा। ओइसा के ऐसा बा कि अपन लड़की ओकरे घरे पहुंचाई, लेकिन वो मनवड़ रहल। तीन किस्म का मनवड़ होला। या कौन कौन भैया? एक के बल बढ़ब, बल बढ़ब, धन बढ़ब, मन बढ़ब। या तनी एक अलग या के बतावा भैया। धन बढ़ जाई बैंक में रही, बल बढ़ जाई देही में रही, मन बढ़ जाई मुहे में रही। या जैसे मुहे में का रही? जौना होई तौना बकबक के 5-7 जूता होई पर मारी और पीछे कहीं निकल के मनवड़ भाग। लड़की 14 पढ़ा रख ली, लड़किया अपने बाबू से कहले जब वो नैलंग तब अपने मेहराब उसको तो मैं लड़का सुंदर बा, 14 जितना लड़की भी पढ़ले बा उतना लड़कवो पढ़ले बा, लेकिन ओकरे में एक आदत बा कि वो कहला कि बिना बियाहले लड़की आई हमरे लायक रही तो रखम नहीं तो मार के निकाल दे बा। तो लड़किया कहत हो बाबू हमार ब्याह वही मरकहवा से करा। देखा ओकरे हिम्मत की मतरिया रो के कहत हो कहो बिटिया
जब तुम्हार बर्तनवा बिगाड़ के छोड़ दई तब कौने घरे जाबू? या तब बोला तू कहाँ जाइबी? कौनो लिया जाइ है कौनो विदा कम का माई तोरे दूध के छाती का दूध पीले है और बाबू के बीच का पैदा है। हम यह देखा के मर्द के कितनी बड़ी बुद्धि हो जौन की आज देश के लड़कियों को आवाज दे दिया कि मारत हमारे लायक रही तो रखम नहीं मार के निकाल दे और बिना ब्याह भइले इतना बड़ा ओकर मन बढ़ गल माई हमार ब्याह वही से कर वो नंगाए गई और बपवा मतरिया सोचे कि ब्याह कह दे गल कहीं मार पीट के निकल ले तब के रखी लेकिन लड़की नंगाई बाकी जब ब्याह हो तब मरका हो ऐसे और एक पैसा खर्चा नहीं देत बा कह एक पैसा खर्ची है मत मत के उसे पानी पिया हम डोली मंगा के विदा करा मुकरे संगे जाब तब भाव मिलल अरे नयन में सजाई मदन भूप लड़की जब सिंगार सजा ले बड़े भैया तो मांगी में जब उकरे सिंदूर नहीं रहल तब रोवे लगल कि आज लड़कीनों पर लड़कन के इतना बड़ा अधिकार होगल कि मांगी में सिंदूर ना पड़त बा अहमद दुल्हा के घरे जाए के होत बा इसे रोवे लेकिन तो हिम्मत कैले बा कि चल तली देखब कि कितना बड़ा मर्द विद्यमान बा का कहत बा ना कोई फिकर ओके फिकर ना बा ना कोई फिकर कुमारी कैसन मर निखत के नर नारी गिर गई देखल मर खाला अरे ना गमरा क्यों बबुई कहे तोके तनको डर ना बा ना गमरा क्यों बबुई परसन मर खाला अरे ना घूमी मन तुहार आई थन मर कर सखी का था इन बौरा गईल बाऊ लड़कन का मर्जात लड़किन का मर्जात बोरत आऊ उ कहे ए बहनिया इतना हम गल गुजरल के लड़की ना भाई तू सुन ले हम ब्याह करब वही से डोली आ गई ओकर माई रोवत बा सबे समझावत बा लेकिन लड़की में डोली डोली में लड़की बैठत बा देखा तो कहना बा तो समाज के सुधारा वाला एक अलग बात होला समाज के अरुझावा वाला एक अलग बात होला अब देखा बिना दहेज का बिना सुहाग का लड़की चल देले बा दुल्हा की है तो भाव मिलल भैया फिल्म का नाम बा कुआरा चले डोली बोलते कहा लड़कीन के पैदा हो ऐसे बड़ा उनके दुख होला कि अरे यार लड़की पैदा हो गई तू तू लटका ले लड़का होई तो ससुरा चोरा हो तो का करी बायन बटी जाई बाबा और लड़की मायावती बा ओकर बाबू लाइन मैन है
लेकिन लड़कन के केहू जाना था मायावती के धैले ओकरे बाबू के जान गेल। और मायावती इतना बड़ा विद्वान हो कि वो बेगर सचिव का काम करेला, मुलायम के संगे भी सचिव रहले, लेकिन मायावती आपन काम अपने हाथ से करती है, वो सचिव से नहीं काम कराती। इतना बड़ा वो विद्वान बा। और लोग यह कह कि चमैनी के हाथे का खाए के ना चाहिए। और विद्या काकर चमारे के घरे जात हो, जेके विद्या माई कहल है ओके ना छूत लगा, वहू के तो छूत लगे के चाहिए कि हम चमारे के घरे जाब तक काजनी अंडबड करे। तो कहने का मतलब है ये बिरादरी जौन हो मुहे से बाभन, सीना से छतरी, कमर से भैंस, पैर से सूत्र, चार बरण एक शरीर से निकलले है। तब पंडित लोग अपने के मुंह बन गईलन, बाबू साहेब अपने के सीना बन गईलन, वैश्य लोग अपने के कमर बन गईलन, नीच लोग जो उनकी 85% हैं तो उन गोड़ बन गए। ये तुलसीदास रामायण में लिखले हुए बना दिहल गई। तो आप बिचारा कि कौने पंडित के गोड़ नहीं हो, गोड़वा जब हुई तो उन्हों चमार होगा करिए, और कौने चमारे के मुंह नहीं हो, जो ने चमारे के मुंह वही उबाबन होबे करी। इन रामायण की बात बा, अपने देश में जातीता प्रति इतना बड़ा विरोध हो गल बा कि केहू के लगे केहू बोल बतिया नहीं सकत बा, खा नहीं सकत बा। कैसे तुहार देश सुधरी, मुहे से कहले ना सुधरी। तो कहना बा डोली में बैठ के लड़की चले लगल कहार अगला बोली बोलत हुए ऊंचा खाला, अगला कहां कहे ऊंचा खाला तो पिछला हुकारी भरे है ऊंचा खाला, धक्कन लागे दुल्हन जागे, दुल्हन जागे चूतर सटा के कंधा बदल के पारी पारा कंधा बदल आ गई अब ससुरा दुल्हन डोली में, किताब में लिखल हो कि पंडित लोग बाभन लोग से ब्याह कराओ में पाप होला। बा भाई बारे कवन पंडितन से पाप इतना करा। अब जो किताब लिखले हो उसे ना पूछवा, उनमें लिखल हो कि ब्राह्मण से ब्याह करावे के न चाहिए। बा ऊ काहे बिया, जब से ब्याह वो लड़का का लड़की का नहीं हो तब से पंडित लोग ओकरे देही पर नया कपड़ा नहीं चढ़ा देता। बा भाई बा इतना झूठ बोला था बिया, आजकल लड़कन का सीट बनवाओ में 5-5 हजार रुपया लग जाता। मान गए तब बनवाउले होबे 10 हजार के, लेकिन ये बता सकल कि जब लड़का अंगने में नहाला तब पानी हारी में रोपाला तो पानी का होला? या उहा बरे का पानी बुलाला भैया पंडित के कहले आ उहा बरे का पानी हैया है की रोपाला? हाँ उ पानी होला का? या वही से लड़की नहाला और लड़का के खजुआट भरला तब यहाँ का बीमारी वहां जाई? एक मिला तो खजुआ उतर वो खजुआ लगो। ये पंडित का कहना बा कि यह बरे का पानी बा ओकरे खजुआट वालो वो खजुआ हो। और लड़का जब नहा लेला तो पहिरा ला का? या का पहनी भैया? गांव से जो जामा जोड़ा मांग लिया, जोने में सरबा गांव भरे का चिल्लर रेंगत हो, जामा जोड़ा मांग के लिया के लड़का के पहिरा देबा। और लड़का चाहे एमए कैले हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कुछ भी हो, ओकरे पढ़ाई लिखाई का महत्व पंडित के आगे बा है कोई महत्व? बा ओके इतना पढ़ा के तू का कैला जौन की आज एक के पंडित जी जौन लोटा लेके भीख मांगे वो इंजीनियर साहब के कपड़ा ना ही पहिरा देते? बा कथन गांव भरे का मांग के लिया के जामा जोड़ा पहिरा दा। और बुढ़िया गरम से कही बचा वह बुढ़ावा वाला लुंगिया पहिरा देना ही, उठिया नौनिया ले ले ही। कौन बढ़िया कपड़ा पहिरौले तो 5 हजार वाला तो बताता हमें।
यह ना लड़का पहले हो और डोली में पहिर के लड़का चल जाई। अब भाई नया वस्त्र ओकरे ऊपर ना ही चल और वहाँ जब जाई तो दुआर लगे लगी तब पंडित के का बिछा जाला। बाप भाई बाप का बिछा जाए पंडित के दिया तोसक। महाराज जी आइए इसी पर बैठिए। वाह अपन दूध फसौले रही फसा के हाड़ी में पानी भर के वही पर गोबर रख के गणेश के बना ली। या पंडित के का बिछा जाए तोसक। अब बारात मालिक के का बिछा जाए कमरा। बाप भाई बाप और दुल्हा के का बिछा जाए आमे का चैला। और दुल्हन के का बिछा जाए मुसहरे का पतरी। पंडित के ब्याह में यह हो कि दूसरा और मैं बता सकेला तू बात करत हुआ ओकर पढ़ाई लिखाई सारा चीज चौपट हो जा। आज ओके पास शाही दिया था सौपल जा था और ओके तो नामे के पीढ़ा पर खड़ा करावत हुआ। सोफा सेट होना चाहिए राजशाही पोशाक होना चाहिए टोपी होना चाहिए वहाँ पर सब बराती के हाथ में फूल होना चाहिए और सब कोई फूले का बरसात करके उसको आशीर्वाद दीजिए। उसी समय ओकर फोटो होए के चाहिए जो अदालत में काम दे और कागज से लिखा पढ़ी शादी करावे के चाहिए। मायावती का नाम हो कि लड़की का हिस्सा भी बाऊ की हल लगे के चाहिए। उल्ले चाहे मत ले कि हम भैया का संपत्ति न ले वहाँ ले तो वहाँ देवे के हुई ओकरे मर्जी से लेकिन लड़की का हिस्सा लगे के चाहिए। इ किताब में लिखल बा। अब देखा इतना बड़ा नेर करत बा पट्टा अब अभी तक नया बस्तर ना ही चढ़ल दुल्हा के बा। अभी तो हम घघोटले हो कि 5,000 का बनवौले है बक्से में बंद कैले हो यह दुल्हा का गति होत हो। जब दुआरे बारात लग गई तो भइल का माई मुसर लेके आई नौनिया आई दुलहिन उतारे बदे तब दुल्हवा हाथे में जूता ले लेगा या टूटा हाथा मतरिया कद भेजा भेजा हेलो हेलो बहनिया का तो करे भैया हम पोखरा खन्ने बदे फरसा ले ले है हमार पद होला आ तोर बियाह भला कह सुनो आद पद से हमसे मतलब नहीं है चलो हटो चलो हटो नौनिया करवा तोर बिया ऊपर पर अपन मूसर लोढ़ा फेंक के भागल मतरियो कहत बा ले जवन तोरे मनो वह कर एक के हमरे रह ले लेकिन आज हम बेइज्जत कतले सुओ भागल। तब लड़किया कदो उधर उधर चल। तब लड़की समझ गई कि अब मारी जरूर या मनबर हा मनबर न बाप का बात मन ले न माई का बात मन ले न हित नाथ का बात मन ले अब हम उतार के ले चलो तो मारी जरूर निकल चल। दुल्हन उतार ले डोली में से लेके घरे में हलावे लगल हल हल चल हल ही रंगल के घरे में हल चल हला देले। जब हल गई तब कवाड़ी खुल ले कथा खोल बा खोल खोल। अरे वो का खोले के कतर दिया घूघूट बे कि घूघूट खोल तोर मुंह देखी हमारे लायक हो भी तो रकम ना ये जूता से मार के फिर डोली में बैठा के या चल जाए भी फिर जहां करता। देखा अब लड़की का बुद्धि बा। अब लड़किया कहत सुना सैया कितना पढ़ ले हुआ 14 तक मैं 14 का पढ़ा हूं। अच्छा सैया ये मकान केकर है हमारे बाप का और चढ़ल जात है इस साड़ी के कर हमारे बाप का जेवर के करो हमारे बाप का कहत कहत खुला लसड़िया बाप मेघा की नहीं इशारा संपत्ति किसका है कह सब हमारे बाप का है। तब लड़किया का था ता है के जूता मरबे जूता कमरबे का ही के तोर हम लेहले का है सब तो तोरे बाप का न ले ले है भयो रख भाव से पतो रख तो हम का मरबे सिंदूर हमारे मांगी में नौला नहीं है और सारी संपत्ति तोरे बाप कहो तो तय मारा वाला के हुए लड़का हुआ हो जो बाप के ऊपर रद्दा दे अगर ओकर बाप पुलिस हो तो लड़का के दरोगा होए के जरूर। लड़कियां कहो भाई कोई तोरे बाबू कहो सुना
जर जेवरिया की लाए पड़े कोई रुख से मनवाया हो झूठ नहीं ना के घर में हमके जब बैठाया हो पचास जूता वही क्षण पचास जूता मारे वही क्षण बतिया मानत और तोहर बाप का बनवा जर जेवर आपन पहनैया आपन घर बनाए लिया वो घरे में जब हम ले चलिया तो 100-200 जूता मरिया अब वही हम तुहरे बाबू का संपत्ति है तुहार संपत्ति ना है लड़कवा घुसिया के निकल गल घरे से का कहबा ढंग हक मतलब राजा का सवाल तीन थे रहल का सवाल रहल तीन थे सवाल रहल एक राजा के ज्ञान हो इनाम अरे कन्या तनावा पतिया माला अब तो है बाप का बाल बाबूजी लड़का जाके कहा तो कहिए क्या सवाल है राजा का कहनाम रहल कि हम अपने लड़की का ब्याह करब आधा राज दहेज में देव मगर तीनों सवाल का जवाब जे दे दे तो केहू जवाब ना देले तो जेल में ओली उले चल जात बा और इहो पट्ठा गल जब जवाब ना देले तो यहू के जेल हो गल इहो अपन वही जेल में तसला बजावत बा तो एक दिना बुढ़वा लड़किया से कहत बा बचवा मार लड़का हेरा गेलन कहत कहत रो दिले तू ऐलू बिटिया वही दिन से हमार बेटवा गायब हो गल आज तक नहीं आल तो लड़किया कहत बाबू तू रोवत का हुआ तुहार बेटवा बन के हम मजूर आल है बिस्तर लगाई खाना पकाई तुहा खाना खियाई बाबू घबरा मत यह कहत बा संतोष देत बा लेकिन एक दिन लड़की सोच गई कि तनी हम पता लगाई देखी मरकहवा बा कहा अब कैलेश का सीआईडी बनल सीआईडी बन के लड़की निकल गई घरे से और बुढ़ू से कैलेश कि हम अपने बाबू की हन जात है देख ला ए हमर गुजरिया मरद देश घर को घुमराही पतवा घुमाता घुमाता गाई राजा जी से बोली सीर राजा से कह था सरकार ई बोट कैसन टंगल कह रे यार बोट टंगल हो जे वो बोट का मतलब बता दे तीन थे सवाल का ओके हम अपन लड़की बियाह दे और आधा राज दान में दे दे और जे लड़की से हम हमारे बात का मतलब न बताई सवाल का जवाब न दे वो के सजा हो जाए तो लड़किया कल पूछा सरकार कौन कौन सवाल हो मंत्री आके पूछत बाप ना धीर धरती नारी राजा से सवाल पूछ ज्ञानी नयन तरे रखना जाऊ तरे अरे बोले करी पानी अरे नैन में काला काला कजरा ऐसा कवल चीज ना राजा के तुम बता रहे ऐसा कवन चीज हो जो कब्बो आंखें ना मुनत चलत फिरत डोलत सूतत उठत बैठत ओकर आंख ना मुनत तब लड़किया कला कि सरकार दोनों सवलिया उहो पूछ दा संगत तीनों पूछ दा तो ऐसा ऐसा सवाल होला कि लड़का बेचारे घबरा जाले एकदा ही सवाल आल कि कवन नेता रहल जो 2 साल में फुकायल बाप भाई बारे कितना लकड़ी लगल हुई तब तो फेला हो भैया लकड़ी जोड़ला तहां फेल भइल या तो तू ही जोड़ के बतावा काय कुंटल काय टन लगल हुई काय कुंटल टन नाही लगल राज नारायण गंगापुर कब मरल रहल लोक बंधु
तो ए सन में मरलन ओ सन में या एकर मतलब आज का साल में दो साल हो गए नया सन चढ़ल पुरनका खत्म भय तो ऐसा सवाल आ जाला तो लकड़ी जोड़ा लगबे तो फेल हो जाबे दिमाग ना दौड़ा कोई अरे अभी पुलिस वाले में सवाल कर रहे कि तेरी बहन नंगी आएगी तो तुम क्या करोगे सब लड़का घबरा गया लगलन मना मान कह ससुरा वाला यहाँ बंद है पूछा था कि तुम्हारी बहन नंगी आएगी तो क्या करोगे तब से एक लड़का कहता था सुना सरका हमार बहन जब नंगी आई तो हम चुम्मा ले या उठा के गोदी खिलाई गोरा ले वहा पास बया कि जब हमार बहनिया नंगा आई तो नंगा लायक रही ना छोट कहा पे आई तो ओके कोरवा ना उठाई पास हो गया और सब लड़का गाड़ी देते रहो फेल हो गई तो ऐसा ऐसा सवाल भी आवाला कि लड़का बेचारा का कर गड़बड़ा जा ले तो कहत मतलब ये बोला अब ऐसा सवाल पूछ दिले बार राजा साहब की बता कौन चीज हो जौन आखे नहीं नूनर लेकिन लड़कियां कह कि सरकार दोनों सवाल वो पूछा पंछी कौन जो दूध पिलाती बच्चे को बतला दो तू टट्टी करते वक्त क्या धरते क्या खाते समझा दो तू बताओ क्या खाते हैं कह अच्छा सरकार बतावे थे तीनों सवाल पूछ देना राजा साहब अब मंत्री से कह सरकार लिखा अगर गलत हुई तो हमके भी सजा हो जाएगी लड़की बतावत बाप मछली मछली राजा दूरी पिलाती है कट्टी करते आड़ पकड़ के समझाते समझाते बता दे रहे लड़किया कि सरकार मछली ऐसी जानवर है कि उनके मुआत जियत उठत बैठत उनकर आँख मुनात नहीं चाहे कराही में उन्हें काट के ना देबा तब वो मालूम दे कि तकते हो या भलाइन फूट जा अरे भाई कराही में नावल बा फूटे के बाकी बा और चमगेदुरी जवन होली इनका चिड़ई में गिनती होला लेकिन इन्हें अंडा नहीं देती नहीं सब बच्चा दे ली बच्चा देंगे बड़े के पत्ती में चफन के वही का रस सूखिया चमगेदुरी के रस नहीं हो या नहीं दिया चमगेदुरिया दूध तथा दुहावत हो गए दूध देने चमगेदुरी कहे थे बच्चा उन्हें कहे छिमी वाला और टट्टी आड़ पकड़ के करे के चाहिए या जैसे जोर से लग गल तब दिया तही सड़किया में निपटबे या तब लोग ना उछिया कपड़वा में निपटते तब गाड़ी सुनबे आड़ ना पकड़बा तो गाड़ी सुनब आदमी जही का कहिए ये सारे का रोज का आदत हो या एकर सारे का पुरानी आदत हो सड़की पर निकले मेहरारू जही तो कहिए नि बहुरा रोज ही खोल के बैठी ला शर्म तो बा नहीं तो अब मार करब कि कुल्ला करब या पानी छुले के बाद जन हो तो कि संतोष करा और कि आड़ पकड़ ला आड़ पकड़बा तो तुम केहू कुछ कहबे ना करी और जब सामने निपटब तो लोग गाड़ी दे तो सबर करा तीनों बात उत्तर दे दे लड़किया राजा गद्दी से उतर के कहा बेटा इधर आओ का कहत बा अरे उतर उतर सुन के कुछ गद्दी ऊपर सारे जहरिया सबको राजा रहे अपने सजन तुरता उंडर आठो पहर चीला तबा नहीं बहराए एक दिन उनसे कहीं बुलाए चीतू नबा नहीं बहराए राजा बन गए तो कहता कि सरकार ए जेल में इन लोग के बंद करके क्या करेंगे सबको छोड़कर भगा दीजिए जब सबे भागे लगल तो बैठ के कुर्सी पर सीधा लगल कि देखी हमें मरकहवा हाव की नहीं मनवर बा फसल हुई तो हुई तब से पट्ठा निकलल तो कहते इधर आओ इधर आओ रुक तब वो कहता कौनो के नहीं ससुरा वाला हम ही के रोकत हो देखा विद्यमानी
दोनों जने बरोबरा पढ़ ले हुए, लेकिन उस सीआईडी बन के अपन घर सुधर ले, वहां उनकर घर सुधारत हो और अपने प्राणी के खोजे चल दे कि तरी पता लगाई पगला गयल कहां। अब उनसे कहता इधर आओ ना, तो नावत हूं तो कहते का सरकार, अरे कुछ नौकरी करेगा कहा, हम जाब घरे हमार माई बिगड़त हुई। अब लड़कियां उनसे कहत बा उन नौकरी करे के तैयार हो गए। एक दिना उनसे कहत कि का चिट्टू मालिश करबा, तो कहत कितना मिली सरकार, कहत जौन बोलो कब 500 रुपया ले सरकार तो सगरो मालिश करो। तो जानी गई कि हमार दुल्हवे हो, कथा आओ तेल लेके कुर्सी पर बैठल बा, मलत बा 14 पड़ा वो बा और 14 पड़ा लड़की हो बा, लेकिन दिमाग में कितना अंतर बा दोनों जने से। तो वन गोड़ मलत हन तो सरवार रानी हो कि राजा हो, इतना गुज गुज करते हिया बा। या बा भाई बात तो है, कैसे पता भैया कितना गुज गुज हो? हमरे मेहरारू हो बे, और कैसे हम मालूम हो, मेहरारू के देही से मनसेधू के देही से अंतर होला, उसे न मालूम दे। तैसे उ लड़किया जो रहा उ लड़कवा पहचानत रहा कि इतना गुज गुज कर दे बा, तब मलत मलत तब देखा लगल ऊपर के या ये हा का, तो कहता ससुरा वाला ऊपर आ चढ़ा ले हो का, या पता नहीं चला था। तब से लड़किया कहता है पीछे हाथ चला, हाँ पीछे कहा नहीं सरकार, सोचते रहे साहब का चितर उतर मल दे, और कोनो बात नहीं है सरकार। देखा विद्यमानी एक अलग चीज हो, शिक्षा एक अलग चीज हो, अपने मन का दिमाग एक और चीज हो, दोनों जने के एक शिक्षा हो, लेकिन लड़की अब शिक्षा में बढ़त बा का कहत बा। चिट्टू साले फिर समझावत बा, चिट्टू साले पड़ गए पाले, अरे धोखा ना खाई हो हम टट्टी करके आते हैं में मालिश और 2000 में चूतर, कह चूतर वे धुआ दे राजा दऊ हो सारे के 2000 रू ले ले और 500 ही बा 2500 ही बा तनखा बा, इतने में तो हम मारी दे बोना चल के। लड़कियां कहो इधर आओ, मेरा वचन निभाओ, तू अपने घर चल जाओगे, हम नौकर दूसर मंगाएंगे। जल्दी आओ पानी ले, अरे अब धोखा ना खाइयो हम टट्टी करके आते हैं। उ टट्टी ना करत बा, एक कुर्सी पर बैठ के कह आओ अंदर आओ। तो वो चूतर जब धोए लगल तई पीठी में पानी छोड़े और ऐसे ऐसे धोए हथवो बढ़ावे, सोचा कि होई तो लड़बे करी। तो जब नहीं वो के कुछ भेटायल तो वो चकपकाए लगल, या जिंदगी रहो चाहे जाओ का हाथ घुसे रह, या तई पता तो लगा ले इस सारे का एक कर हाँ कि नहीं हो। ऐसे हाथ कहले तब से लड़की उड़ के कहा मदर चो तुम्हारी सजाएं और बढ़ गई। कहा सरकार गलती हो गई लो, कहा अच्छा खरे भाग जा। कहा सरकार पैसवा दे दिया जा, अबे इतना बड़ा गुनाह किया पैसा लेगा, आ जाओ हर जा आओ। अब ओके पैसो नहीं मिलल बा, अब वह पूरन का कपड़ा पर चल दे सजाए के डर के मारे। लड़किया का करत बा, आए अरे मी लगाया जूती बा, मीरा Yeah.
बिया जाकर राजा से कहत सरकार हमरे बाबू का तार आल बा और हम जात हईला अपने बाबू के देख के आई तब तोहरे बिटिया से ब्याह करब एक चीज उनकर नहीं ले लेबा खाना जदि रहल बा तदिन खैले बा न उनके बिटिया से ब्याह करे के न पैसा न कौड़ी एना वैसा बिना पैसा के भगा देले हो पैदल आवत हो और अपने जाके राजा से छुट्टी लेके सवारी से आवत हो ये पट्ठा पैदल झोड़ ले हो पैसा तो हो ना ये को देहले नहीं बा अब यहाँ जाके राजा से छुट्टी लेके करत करा भाई हरा मर्द भेष लड़किया पहला पहुंच के अपने घरे में से देखत हो कि देखी मरकहवा कौने ओरी से आवत हो और तब से ये टूटा हाथे में जूता लेके पहुंचल हो रहे या पागल बा पैरे में टूटा जूता तब से वो लड़किया निकल के कहत हो का चित्तू तब वो कहत हो कौनो ससुरा वाला तार दे देलन का या भक दे जूता नीचे हमरे मेहररुआ से कि तोहार परानी यहाँ चित्तू का काम करत हो तब से कहत हो चित्तू मत कह अब रेरी नहीं मारा था जूता हाथे में से नीचे गिर गया शिक्षा बा जे ढेर मनबर बा ब्याह दाने के ई लड़की किताब बीएचयू में भेजवा देले बा और लड़की लड़कन के पढ़ावल जात बा ऐसे बहुत बड़ा शिक्षा कामयाब होता सुना अब वो कहत बा सुन के अरे बड़े हमके चित्तू वाली बतिया बतावा लड़किया कला सुना कहला गुजरिया तो है ये हर से छुड़ाए चित्तू रामा धारा तो से छुड़ा दो आए चित्तू रामा धारा तो से छुड़ा दो आए चित्तू रामा धारा तो से छुड़ा दो आए कह देखा हुआ मेहररुआ गई तो से चूतर भी दो आए तुहार नाम चित्तू रख ली और तो से जेल के जेल से तोके छुड़ाए तू इतना मन बड़ रला तब कहत कि अब हमसे ब्याह कैला हमसे ब्याह कैला कहा थूक के चाटी ऐसन गलती न हुई या जूता पर उ कहत ऐसे काम न हुई तोहार हमार ब्याह हुई लिखा पड़ी से एक कागज लखनऊ रही एक कागज तोहरे पास रही एक कागज हमरे पास रही और हमार तोहार लिखा पड़ी का शादी हुई और शादी होत के फोटो हुई जो अदालत में काम दे हमारा कान फूट जाए तुम्हारा कान फूट जाए लेकिन ओकर जिम्मेदारी रही तो कहने का मतलब है अब कानूनी शादी आप लोग करिए ब्राह्मण शादी में वर मरो चाहे कन्या दक्षिण से कोई सबूत उसका नहीं है वो शादी के विषय में तो भैल का गुरु बिहारी हम ना मार अब रखना भेद छिपाई गुरु बिहारी गुरु